सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोटरोला ने अपने दो लेटेस्ट न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। उन स्मार्टफोन के नाम हैं, एक है मोटो जी फास्ट और दूसरा मोटो ई 2020। मोटरोला ने जी और ई सीरीज़ में दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। मोटो जी फास्ट में जहां पंच होल डिस्प्ले के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, वहीं मोटो ई 2020 में डुअल रियर कैमरा सेटअप और वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है। दोनों फ़ोन एंड्रॉयड 10 पर रन करते हैं। मोटो जी फास्ट और मोटो ई 2020 के प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो मोटो जी फास्ट की स्टार्टिंग प्राइस 199.99 US डॉलर यानी करीब 15,100 इंडियन रुपीज़ रखी गई है। इस प्राइस में 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा। यह फ़ोन सिर्फ पर्ल वाइट कलर वेरिएंट में मिलेगा। मोटो ई 2020 के प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 149.99 US डॉलर यानी करीब 11,300 इंडियन रुपीज़ रखी गई है। यह फ़ोन 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलेगा। फ़ोन की सेल 12 जून से अमेरिका में होगी। मोटो जी फास्ट की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फ़ोन में 6.4 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 720p x 1560p दिया गया है। इस फ़ोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ऑक्टाकोर 665 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इस फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन कैमरा 16MP का, दूसरा 8MP का, तीसरा 2MP का मैक्रो लेंस दिया गया है। फ़ोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। मोटो जी फास्ट में 4000mAh की बैटरी दी गई है और कनेक्टिविटी फीचर्स में 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, 5.0, GPS, AGPS, 3.5mm हेडफोन जैक और USB Type-C चार्जिंग जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा फ़ोन के बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। हम बात करते हैं मोटो ई 2020 के स्पेसिफिकेशंस की। तो इस फ़ोन में 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 720p x 1520p दिया गया है। इसमें अभी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा इस फ़ोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 13MP का और दूसरा 2MP का कैमरा है। सेल्फी के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फ़ोन में कनेक्टिविटी फ़ीचर्स की बात करें तो 4G LTE का सपोर्ट दिया गया है, वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2, GPS, AGPS, माइक्रो USB, 3.5mm हेडफोन जैक जैसे कनेक्टिविटी फ़ीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा फ़ोन के बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। इस फ़ोन में 3550mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 5W चार्जर भी मिलेगा। तो मोटोरोला ने जी सीरीज और ई सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये दो स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। फ़िलहाल इनकी सेल अमेरिका में 12 जून से स्टार्ट होगी। इंडिया में जैसे ही अवेलेबल हो जाएंगे हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।